नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। ऐसे में बात करेंगे महागठबंधन की। जो तस्वीरें सामने आई है वह आरा संसदीय क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महागठबंधन के कई बड़े नेताओं का जुटान हुआ है आरा संसदीय क्षेत्र में। बता दें कि यहां से भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी जो जनसभा है उसमें पहुंचे हैं और लोगों से, वहां की जनता से सुदामा प्रसाद के पक्ष में वोट की अपील की है। इसके साथ ही बता दें कि मंच पर ऋतु जायसवाल, जो कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की कैंडिडेट हैं, वे भी साफ तौर पर मंच पर दिखी। इस दौरान उन्होंने भी सुदामा प्रसाद के लिए वोट की अपील की। बता दें कि इन फोटोज को, इन तस्वीरों को आरजेडी कैंडिडेट ऋतु जायसवाल ने खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया है। इसके साथ ही सुदामा प्रसाद के साथ ऋतु जायसवाल ने अपनी तस्वीरों को शेयर किया है और लोगों से वोट की अपील की है। वहीं जनसभा के दौरान आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुले मंच से क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। आज आधा चुनाव कार्यक्रम है, चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार का। आप सबसे यही कहेंगे कि मिजाज रखा टनाटन टनाटन, बहन लोग के खाता में लाख रुपया जाए, खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो गए सपा चार, सपा चार। देखिए, देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। ये भाजपा वाला आपके आरक्षण को, आपके लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहता है। और आप सब लोगों से यही अपील है कि जो मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी का, गरीबी का, इस पे आप लोग वोट देने का काम करें। मोदी जी ने बिहार के साथ 113 विभाग किया, ठगने का काम किया, आप सब लोग जानते हैं। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आज कई जगह हमको जाना है, लेकिन इतना उमस में, इतना गर्मी में, तो आप सभी आए उसके लिए और किसी के चुनावी जनसभा में इतना गर्मी में इतना भीड़ नहीं थे। भगवान लोग के तेजस्वी प्रणाम करता, सलाम करता, इसलिए आप सब, मेरा हड्डी में भी चोट है, बुखारो है, गलो खराब है, लेकिन ये आपकी दीवानगी खींच रही है, ये आपका प्यार खींच रहा है। इसलिए आप सबसे अपील है कि भाई तीन तारा जिताइएगा ना, तीन तारा में बटन दाबिए लालटेन जलेगा, तो हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, दोनों प्रत्याशी को माला पहना देना। तो आपने तेजस्वी यादव का वो भाषण सुना जिसमें उन्होंने सुदामा प्रसाद को जीत की माला पहनाई और इसके साथ ही लोगों से वोट की अपील कर दी है। इसके अलावा बात करें ऋतु जायसवाल की, तो वे फुल ऑन एक्टिव मोड में दिख रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी आरा संसदीय क्षेत्र की तस्वीरें सामने आई थी। ऋतु जायसवाल ने खुद ही उन तस्वीरों को साझा किया था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऋतु जायसवाल दिन तो दिन, लेकिन रात में भी जो जनसभा, जो जनसंपर्क है, वो अभियान चला रही है। रात में भी वे सड़कों पर घूम रही हैं और लोगों से वोट की अपील कर रही हैं।
तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि राजद के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ ऋतु जायसवाल सड़कों पर घूमकर आरा संसदीय क्षेत्र में वहां के भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के लिए वोट की अपील की है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने भी वोट की अपील कर दी है, तो वहीं देखना वाली बात होगी कि आखिर 1 जून को सुदामा प्रसाद के समर्थन में आखिर जनता की ओर से कितने वोट पड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।